पाकिस्तान ने एक बार फिर से मानवता के रिश्ते को तार तार कर दिया है और कूटनीतिक ढंग से भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह को मौत के घाट उतार दिया। यह सब भारत सरकार की नाकामी है जिसकी वजह से आज एक निर्दोष नौजवान की मौत हुई है और अब तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हम आपको बता दें कि सरबजीत सिंह 1990 से पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने सरबजीत सिंह को 1990 के लाहौर फैसलाबाद के सिलसिलेवार बम धमाकों का दोषी बनाया था। विस्फोट के 3 महीने बाद सरबजीत के परिवार के अनुसार वह सीमा पर स्थित अपने गांव से पाकिस्तान में भटक जाने के कारण गलत पहचान का शिकार बन गया। इसके बाद 1991 में पाकिस्तान के न्यायालय ने सरबजीत को फांसी की सजा सुनाई जिसे कई बार स्थगित कर दिया गया और भारत की ओर से पाकिस्तान की जेल में बंद सरबजीत की रिहाई की बढ़ती मांग को देखते हुए 26 अप्रैल 2013 को सरबजीत पर 2 पाकिस्तानी कैदियों ने ईंट और नोकेदार चम्मच से जानलेवा हमला कर दिया जिससे सरबजीत स्थायी कोमा में चला गया और पाकिस्तान के जिन अस्पताल में इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई, जिससे पूरे देश को गम के आगोश में ले लिया। इस मामले पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि सरबजीत की मौत के लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है जिसने सरबजीत को छुड़ाने के लिए कोई पहल नहीं की। सरबजीत सिंह जी के मामले में पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी सहित पूरा देश दुखी है और हर व्यक्ति इस कांड में केंद्र की कांग्रेस शासन को इसलिए दोषी मानती है कि बार बार आग्रह करने के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान से कोई बात नहीं की। सरबजीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद 3 बार भारतीय बंदी और पाकिस्तान के बंदियों की अदला बदली हुई, उसमें 2/3 हम छोड़ते थे तो 1/3 पाकिस्तान छोड़ता था। उस समय भी हम इनको छोड़वा सकते थे, तब भी इन्होंने कोई गंभीर कदम उसमें नहीं उठाया। उनके परिवार ने प्रधानमंत्री जी को, गृहमंत्री जी को बार बार कहा कि पाकिस्तान से सूचना आ रही है कि इनकी हत्या का प्रयास किया जाएगा, तब भी भारत सरकार चुप बैठी रही। हम इसकी दिल से निंदा करते हैं, ये पाकिस्तान की कायरता है। सरबजीत सिंह जी को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, उनके परिवार के साथ पूरी पार्टी और पूरा देश है। वहीं प्रदेश भाजपा कार्यालय मंत्री आलोक संजर ने अलग अंदाज में दुख संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हमेशा के लिए रिहा हो गए सरबजीत सिंह। और सरबजीत बेगुनाह था, 22 साल से वो पाकिस्तान की जेलों में कष्ट भोग रहा था और अंततः वो रिहा हो गया। और लेकिन जिस तरह से रिहा हुआ वो बहुत शर्मनाक है कि पाकिस्तान में ही कैदी उस पर हमला करते हैं और बल्कि वहां का जो जेल प्रशासन ने मूक दर्शक बनकर देखता रहता है। और जिस तरह से हमारे देश को और उसके परिवार को बेवकूफ बनाया गया, मुझे लगता है वो 2 दिन पहले शांत हो चुका था। वेंटिलेटर पर रखकर उसकी बॉडी को हिलाया गया और उसके परिवार वालों को उसके नजदीक नहीं जाने दिया गया। पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया है, ये निंदनीय है। मैं पाकिस्तान के साथ साथ हमारे देश की सरकार जो सोई रही, यदि वो आवश्यक कदम उठाती तो निश्चित रूप से पूर्व में कोई कार्रवाई की जा सकती थी। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि पाकिस्तान की जेल में और जो भारतीय हैं वो सरबजीत ना बने और हमारे देश की जो सरकार है वो पहल करे कि जो निर्दोष लोग हैं उनको वापस हिंदुस्तान बुलाया जाए। सरबजीत की मौत के बाद उसके शव को भारत लाया जाएगा और शासकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सरबजीत के परिवार में उसकी पत्नी सुप्रीत, बड़ी बेटी स्वप्नदीप और उसकी बहन दलबीर कौर है जिन्हें अब भारत का नागरिक होने पर भी शर्म आ रही है। यदि अब भी भारत ने इस घटना से सीख नहीं ली तो ना जाने कितने और बेगुनाह सरबजीत मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवार की रिपोर्ट, EMS TV न्यूज़ भोपाल।